ये है आईपीएल इतिहास के सबसे घटिया कप्तान, जानिए इनके नाम। भारत में खेली जाने वाली लीग इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। यहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं और खेलते हैं। भारत के अलावा विदेशी खिलाड़ियों का भी जलवा आईपीएल में खूब देखने को मिलता है। हालांकि इस लीग में खेलना कोई आसान नहीं होता। आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों के अलावा विदेशी खिलाड़ी भी खूब कप्तानी कर चुके हैं। साथ ही कुछ विदेशी कप्तान ने तो अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी भी दिलाई है। लेकिन आज हम आईपीएल दिलाने वाले कप्तानों की नहीं बल्कि आईपीएल के सबसे खराब कप्तानों की बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत से कप्तान ऐसे भी हैं जो एक या दो मैचों में कप्तानी करके रह गए, लेकिन हमने यहाँ पर कप्तानों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि उन्होंने कम से कम 10 मैचों में कप्तानी की हो। हम आपके लिए आईपीएल की तीन सबसे खराब, यू कहें तो घटिया कप्तानों की बात करेंगे। मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। नंबर एक पर है ब्रेंडन मैकलन। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ने आईपीएल में कप्तानी भी की है। जो लोग लगातार आईपीएल देखते हैं उन्हें भी शायद यह बात पता नहीं होगी, लेकिन ब्रेंडन जितने मैचों में कप्तानी की है उनका रिकॉर्ड क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल के 14 मैचों में कप्तानी की है, लेकिन उन्हें उनमें से केवल 3 मैचों में ही जीत हासिल की है। वहीं पूरे 10 मैचों में मैकलम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच तो टाई पर ही खत्म हो गया था। ब्रेंडन मैकलम की जीत का प्रतिशत आपको हंसा देगा। मैकलम की जीत का प्रतिशत मात्र 25 ही है। हालांकि ब्रेंडन मैकलम आईपीएल में अपनी कप्तानी नहीं बल्कि उस पारी के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने आईपीएल की पहले सीजन में पहले ही मैच में खेली थी। इस साल ब्रेंडन मैकलम ताबड़तोड़ 158 रन ठोक दिए थे। ब्रेंडन आईपीएल के कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात रॉयल्स की ओर से खेल चुके हैं। नंबर दो पर है आरोन फिच। अब बात एक और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी की है। यह खिलाड़ी न केवल ऑस्ट्रेलिया का सलामी बल्लेबाज है बल्कि वे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरोन फिच की। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कप्तानी करते हुए आरोन फिच का रिकॉर्ड चाहे जैसा भी हो, लेकिन आईपीएल में आरोन फिच अच्छे कप्तान नहीं बन पाए, बल्कि यू कहें कि वे सबसे घटिया कप्तानों की सूची में शामिल है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आरोन फिच ने 10 मैचों में कप्तानी की है, लेकिन उसमें से 8 में तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2 ही मैच ऐसे थे जिसमें आरोन फिच अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब हो पाए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आरोन फिच ने किस टीम की कप्तानी की थी, तो आपको बता दें कि वह ऐसी टीम थी जो ज्यादा दिनों तक आईपीएल खेल नहीं पाई। वह टीम थी पुणे वॉरियर्स इंडिया। इसी टीम के कप्तान आरोन फिच हुआ करते थे। हालांकि आरोन फिच अब तक कई टीमों की ओर से खेल चुके हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर आरोन फिच अच्छे बल्लेबाज साबित हुए हैं, लेकिन कप्तानी उन्हें रास नहीं आई। नंबर तीन पर है केविन पीटरसन। अब बात करते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान की। ये केविन पीटरसन, केविन पीटरसन के कुछ समय के लिए इंग्लैंड की भी कप्तानी की है और आईपीएल में भी ये कप्तान रहे हैं। केविन पीटरसन ने रिकॉर्ड भी जरा जान लीजिए। केविन के कुल 17 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 14 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मात्र 3 ही वे अपनी टीम इंडिया को जीत दिला पाए। उन्होंने अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम की कप्तानी की है, लेकिन किसी भी टीम को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आपका आईपीएल में फेवरेट कप्तान कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।